जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में शुक्रवार दोपहर एक आतंकी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसमें दो जवान शहीद हो गए। ये घटना बागत एरिया के बारजुल्ला में हुई। ये मामला एक दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ में दो आतंकियों को दबोच लिया है। इनका देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमले करने का प्लान था। ये दोनों लोग बसंत पंचमी के दिन ही धमाका करने की फिराक में थे। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। यूपी पुलिस के अनुसार इन लोगों के निशाने पर हिंदू संगठनों के कई बड़े नेता थे। मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। केरल विधानसभा चुनाव से पहले 21 फरवरी को कासरगोड में भाजपा की विजय यात्रा के मौके पर श्रीधरन पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। श्रीधरन ने कहा कि अगर भाजपा केरल विधानसभा चुनाव में जीतती है तो राज्य को कर्ज के जाल से निकालेंगे, आधारभूत संरचना विकसित करने पर ध्यान होगा। पतंजलि योगपीठ के बाबा रामदेव ने कोविड 19 के लिए दवा फिर से लॉन्च कर दी है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामदेव के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। रामदेव ने दावा किया कि पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की ये दवा विश्व स्वास्थ्य संगठन से सर्टिफाइड है। दावा है कि WHO ने इसे GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट दिया है। टूलकिट मामले में क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की पुलिस कस्टडी की मियाद शुक्रवार को खत्म हो गई। उन्हें आज दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। दिल्ली कोर्ट ने दिशा को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरअसल पुलिस ने कोर्ट को बताया कि वह शांतनु और निकिता के सामने दिशा से पूछताछ करना चाहती है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत अब तक कोरोना वैक्सीन की 1,01,00,000 डोज हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर को दी जा चुकी है। वैक्सीनेशन के 34वें दिन 6,58,674 डोज दी गई। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां 75% से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीन का पहला डोज दे दिया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के 14वें सीजन के लिए 18 फरवरी को चेन्नई में आयोजित हुए ऑक्शन में सबसे आखिर में बोली भारतीय टीम के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर पर लगी। IPL के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि किसी क्रिकेटर के बेटे को भी IPL कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसने कभी IPL खेला है। शेयर बाजार में शुक्रवार को लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई। BSE सेंसेक्स 434 अंकों की गिरावट के साथ 50,889 पर बंद हुआ, जबकि 4 दिन में ये 1,264 अंक फिसला। सेंसेक्स 15 फरवरी यानी सोमवार को 609 अंक की बढ़त के साथ 52,154 पर बंद हुआ था।